मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें एक फॉरेस्ट को दिखाया जाता है जहां पर हम एक लेडी को देखते हैं। वो लेडी काफी ज्यादा डरी और घबराई हुई होती है क्योंकि उसे ये फील हो रहा होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वहीं पर हम एक शख्स को देखते हैं जो कि उस लेडी का फेस कवर कर देता है और उसका दूसरा साथी उस लेडी के हेड पर जोर से अटैक करता है जिसके बाद वो लेडी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक रूम में पाती है जहां पर कई सारे अजीब लोग होते हैं। वहीं पर हम एक शख्स को देखते हैं जो कि असल में उसके डैड होते हैं। उन्होंने ही अपनी बेटी को यहाँ पर लाया होता है क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि उसके अंदर जो ईविल पावर है उसी ने ही फोर्सफुली उसे अपनी मॉम को मारने को कहा है। वहीं पर जो ओल्ड वुमेन होती हैं, वो उसे ऑर्डर देती हैं कि शैतान को खत्म करने का एक ही वे है और वो है इसकी मौत। जिसके बाद उस लेडी के डैड अपनी बेटी पर ऑयल डालकर उसे जलाने वाले होते हैं। तभी उसकी बॉडी में शैतान वापस आ जाता है जो कि ये कबूल करता है कि उसी ने इसकी मॉम को मारा है और अब वो इसके डैड को भी मार देगी। लेकिन तभी वो शख्स गन से अटैक कर अपनी बेटी को मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि उस फॉरेस्ट में बने एक ट्री हाउस पर स्टे करने आए होते हैं। वहीं पर हम मिया को देखते हैं जो कि एक ड्रग एडिक्ट होती है, जिस वजह से ही उसका भाई डेविड उसे यहाँ पर लाया होता है ताकि वो उसकी ड्रग्स की एडिक्शन को खत्म कर सके। बाद में वो सब लोग घर में इंटर हो जाते हैं। मिया को ड्रग्स की एडिक्शन की वजह से उसे बार बार ड्रग्स को लेने की क्रेविंग होती थी, लेकिन ड्रग्स न मिलने की वजह से उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। मिया अपने भाई को बताती है कि उन्हें इस घर में स्टे नहीं करना चाहिए क्योंकि इस घर से उसे अजीब वाइब्स आ रही है, लेकिन वो लोग मिया की एक बात भी नहीं सुनते हैं क्योंकि उन्हें ये लग रहा होता है कि मिया जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती है ताकि वो वापस से ड्रग्स को ले सके। मिया उन्हें कई बार समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते हैं। वहीं पर हम डेविड के डॉग को देखते हैं, जो कि उस घर में एक सीक्रेट बेसमेंट को ढूंढ लेता है। जब वो सब उस बेसमेंट के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर काफी सारी कैट्स लटकी हुई नजर आती है जो कि उनके लिए काफी शॉकिंग था। दरअसल ये बेसमेंट वही प्लेस होती है जहां पर वो सारे लोग रिचुअल को परफॉर्म कर रहे होते हैं। वहीं पर एरिक को एक बुक नजर आती है जिसे काफी अच्छे तरीके से कवर किया हुआ होता है ताकि कोई भी इस बुक को आसानी से न खोल सके। एरिक उस बुक को अपने साथ ऊपर ले आता है और वो काफी कोशिश के बाद बुक को ओपन करने में कामयाब हो जाता है। उस बुक में ये लिखा होता है कि इस बुक को अगर रीड किया गया तो हेल में कैद ईविल सोल हमारी दुनिया में आ जाएंगी और बाद में वो किसी न किसी को पोजेस कर लेगी, लेकिन एरिक इन सब बातों को इग्नोर कर उस बुक को रीड करने लगता है, जिस वजह से हेल का डोर ओपन हो जाता है और एक वहाँ से शैतान हमारी दुनिया में आने लगता है। इधर हम मिया को देखते हैं, जिसे ये एहसास हो जाता है कि कोई शैतानी ताकत उसकी तरफ बढ़ रही है। वहीं फॉरेस्ट में उसे एक लेडी दिखाई देती है जो कि असल में हेल से आया हुआ डीमन होता है। उस लेडी को देखकर मिया काफी ज्यादा डर जाती है और वो घर में इंटर हो जाती है। मिया उस लेडी के बारे में सबको बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता है, जिस वजह से मिया अकेले ही कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो काफी तेज ड्राइव कर रही होती है तभी उसके सामने वही लेडी यानी ईविल पावर आ जाती है, जिसे देखकर उसकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार सीधा पानी में गिरती है। बाद में मिया वहाँ से निकलकर फॉरेस्ट में ही भागने लगती है, लेकिन वो शैतानी ताकत बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जिस वजह से वो फॉरेस्ट में मौजूद ट्रीज को ही कंट्रोल करने लगती है और वो मिया को उन्हीं दरख्तों के बीच फंसा देती है। तभी वहाँ पर वो शैतान आ जाता है जो कि अपनी माउथ से ट्रीज की जड़ें निकाल कर मिया को पोजेस कर लेता है।
इधर हम डेविड और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो कि मियां की हर तरफ सर्च कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक दरख्त के नीचे मियां मिल जाती हैं, जिसके बाद वो सब घर में वापस आ जाते हैं। वो लोग जब मियां से कार के एक्सीडेंट के बारे में पूछते हैं, तो मियां उन्हें बताती हैं कि फॉरेस्ट में उसने किसी लेडी को देखा है और ये एक्सीडेंट भी उसी वजह से हुआ है। वो लेडी अभी तक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं करता है। नेक्स्ट डे जब डेविड बाहर होता है, तो उसे वहाँ पर उसके पेट डॉग की लाश मिलती है, जिस डॉग को असल में मियां ने मारा होता है। और जल्द ही डेविड को पता लग जाता है कि उसके डॉग को मियां ने मारा है। इधर हम मियां को देखते हैं, जिसे शैतान ने पूरी तरह से पोजेस कर लिया होता है, जिस वजह से मियां बहुत ही ज्यादा गर्म पानी के नीचे होती है, जिस वजह से उसकी स्किन जल जाती है। ये देखकर डेविड काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो मियां को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। लेकिन बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है, जिस वजह से आगे जाने का रास्ता ही बंद होता है। इधर कार में हम मियां को देखते हैं, जो कि डीमोनिक स्माइल दे रही होती है। बाद में डेविड मियां को वापस घर में ले आता है, जहां वो उसे इंजेक्शन देकर सुला देते हैं। उन लोगों को लग रहा होता है कि ड्रग्स न मिलने की वजह से मियां की मेंटल कंडीशन बिगड़ती ही जा रही है, जिस वजह से उन्हें मियां को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। इधर एरिक उस कर्स्ट बुक को रीड कर रहा होता है। उस बुक में ये होता है कि डीमन जिस भी शख्स को कंट्रोल करता है, वो पहले फॉरेस्ट में दरख्तों के बीच फंसता है और साथ ही उसके साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स होने लगते हैं। ये सब के सब इंसिडेंट्स मियां के साथ हो रहे होते हैं, जिस वजह से एरिक को ये एहसास हो जाता है कि मियां के अंदर कोई डीमोनिक पावर है। और जब वो इसके बारे में अपने फ्रेंड्स को बताता है, तो कोई भी एरिक की बात पर बिलीव नहीं करता है। अभी उन लोगों के दरमियान बातें हो ही रही होती हैं कि तभी वहाँ मियां आ जाती हैं, जिसके हैंड में शूटगन होती है, जिसे वो डेविड पर चला देती हैं, लेकिन बुलेट उसे छूकर निकल जाती है और डेविड को कुछ भी नहीं होता है। मियां डीमोनिक वॉइस में उनसे कहती है कि वो सभी आज ही मरेंगे, और इतना कहते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। तभी उनमें से एक शख्स मियां से गन लेने जाती है, लेकिन उसी दौरान मियां उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उसके ऊपर वोमिटिंग कर देती है। बाद में वो लेडी एक दूसरा इंजेक्शन का डोज रेडी करने लगती है, ताकि वो मियां को शांत कर पाए, क्योंकि उन्हें अभी भी डीमोनिक चीजों पर यकीन नहीं होता है। तभी उस शख्स को वो डीमन उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिस वजह से वो अपना आधा फेस ही काट लेती है। बाद में वो एरिक पर अटैक करने लगती है, लेकिन डेविड आकर एरिक को बचा लेता है। एरिक उस अटैक से काफी इंजर्ड हो गया होता है। डेविड उसे शुगर और मेडिसिन लाने को कहता है, और जब वो वहाँ जाती हैं, तभी मियां उसे किसी तरह से बेसमेंट का डोर ओपन करने के लिए कन्विंस कर लेती है। लेकिन जल्द ही उसे पता लग जाता है कि मियां के अंदर डीमन है, जिस वजह से वो वहाँ से निकलने वाली होती है। लेकिन मियां उसे वापस से बेसमेंट में खींच लेती है, और साथ ही वो उसके हाथ पर बाइट कर लेती है, जिस वजह से उसका हाथ सड़ने लगता है, और वो डीमन धीरे धीरे उसे भी अपने कंट्रोल में करता जा रहा था, जिस वजह से वो लेडी अपने हाथ को ही बॉडी से अलैदा कर लेती है। इधर एरिक को बुक से पता लगता है कि डीमन जब 5 सोल्स पर कब्जा कर लेगा, तब स्काई से खून की बारिश होगी और हेल का डीमन आजाद हो जाएगा। उस डीमन को रोकने के बस कुछ ही तरीके हैं। पहला ये कि जिस शख्स पर शैतान का कंट्रोल है, उसे जलाकर मार दिया जाए। दूसरा, उसे जमीन पर दफन कर दिया जाए। बाद में डेविड उस लेडी की पट्टी करता है, लेकिन जल्द ही वो भी शैतान के कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन डेविड बाद में उसे भी मार देता है। बाद में डेविड ये डिसाइड करता है कि वो शैतान को पूरे घर को जलाकर मार देगा। और जब डेविड ऐसा कर रहा होता है, तभी मियां एक सॉन्ग को गाने लगती है, जो कि बचपन में उनकी मॉम गाया करती थी।
इस सॉन्ग को सुनकर डेविड अपनी बहन को मारने का प्लान छोड़ देता है और वो उसे शैतान की कब्जे से आजाद करने का दूसरा वे निकालता है, जिसमें वो मिया को पहले जमीन पर दफन कर देगा और बाद में उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर वापस उसे होश में ले आएगा। अपने इसी प्लान के साथ डेविड बेसमेंट में जाता है, लेकिन मिया उस पर अटैक कर देती है और वो उसे जान से मारने वाली होती है, लेकिन एरिक मिया पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है। बाद में डेविड मिया को दफन कर देता है और अगले पल ही वो उसे बाहर निकालकर इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे मिया होश में आ जाती है और साथ ही उस पर से शैतान का साया भी हट गया होता है। तभी एरिक डेविड पर अटैक कर देता है, जिस वजह से डेविड एरिक को घर के अंदर ले आता है और वो पूरे घर को आग लगा देता है ताकि मिया सेफ रहे। लेकिन अगले पल ही स्काई से खून की बारिश होने लगती है, क्योंकि डेविड और एरिक के मरते ही डीमन ने 5 सोल्स पर अपना कब्जा कर लिया होता है, जिस वजह से वो हेल से आजाद हो जाता है और वो मिया पर अटैक कर देता है, लेकिन मिया एक वेपन का यूज कर उस शैतान को मार देती है। बाद में मिया को सूरज की रोशनी नजर आती है, यानी वो डीमन अब वहाँ से जा चुका है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।